मेन पॉइंट चैनल के सभी दर्शकों को प्रेम भरी जय श्री सीताराम। आज श्री रामचरितमानस की शाश्वत यथार्थ व्याख्या पर आधारित पतित पावनी श्री राम कथा का छठा दिवस है। आज की कथा में परम पूज्य स्वामी लोकेशानंद परमहंस जी महाराज अपने श्रीमुख से श्री रामचरितमानस के तीसरे कांड रड्या कांड के बारे में बताएंगे। सीता हरण प्रसंग पर हम सब शुद्धि श्रोताओं का अपने सुमधुरवाणी से मार्गदर्शन करेंगे। आज पंचवटी का निरूपण विस्तार से होगा। सत्संग की आवश्यकता क्यों है, सच्चे सत्संगी की पहचान क्या है, शूर्पणखा कौन है, मारीच क्या है, लक्ष्मण रेखा का रहस्य क्या है, सीता जी की दृष्टि का रहस्य क्या है, जटायु और सबरी माँ के प्रसंग का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें आज की कथा सुनने से प्राप्त होगा। अब आप प्रेम पूर्वक कथा सुने। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल, तो कुटिया विभीषण की कैसे बची थी, तो कुटिया विभीषण की कैसे बची। लिखा था यही नाम कुटिया पे उसके, लिखा था यही नाम कुटिया पे उसके। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही, वो रो रो के आंसू से मुख धो रही थी, वो रो रो के आंसू से मुख धो रही थी। पुकारा यही नाम था दिल से उसने, पुकारा यही नाम था दिल। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान चित्रकूट से आगे निकल गए, लेकिन पहले घटना घट गई। आज जयंत आया, इंद्र का पुत्र है। इंद्र किसे कहा जाता है महाराज? वो स्वर्ग का राजा, उसे इंद्र कहा जाता है। बड़े भोले हो, बड़े भोले हो सनातन धर्म वालों, आपका मन ही इंद्र है, आपका मन ही इंद्र है। इंद्रियों का राजा इंद्र कहलाता है। इंद्रियों का राजा कौन है? आपका मन। इस मन में एक वृत्ति रहती है जो चाहती है कि जो सबसे अव्वल दर्जे की जय हो वो मेरी होनी चाहिए। जय का अंत जहां होता है वहां मैं पहुंच जाऊं। लाख बुरा कोई हो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। लाख हम भी जब शीशा देखते हैं तो लगता है क्या बात है, बोलो है। सबको अपना आपा अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कितना ही बुरा हो अपने आप को अच्छा समझता है और चाहता है कि दुनिया मुझे अच्छा समझे, मेरी जय जयकार हो। बस यही जयंत है। जो अपनी जय जयकार के चक्कर में पड़ता है वो भगवान को कमतर आंकने लगता है। देखो दो में से एक की जय जयकार आप चाहोगे, या भगवान की चाहोगे या अपनी चाहोगे। जयंत ने भगवान को देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान उस समय छोटे छोटे फूलों की माला बनाकर सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। जयंत को शंका हो गई है ये भगवान भी हैं, तो विचार किया कि चलें इनका प्रभाव देखते हैं, भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो जयंत गया और सीता जी के दाएं चरण के अंगूठे पर चोंच मूसनी मार दी।
खून बहने लगा। सीता जी तो माँ है ना, सीता जी ने कोई शिकायत नहीं की, उफ तक नहीं की, बालक है गलती कर देता है। लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने अपने आप जान लिया कि सीता जी को चोट लगी है। विचार करो सीता जी कौन है, भक्ति ही सीता जी है। भक्ति को चोट लग जाए भगवान सहन नहीं करते हैं, और चाहे जो हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन भक्ति को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जयंत ने सीता जी को चोट पहुंचा दी, भगवान ने जान लिया, जयंत तो दौड़ा, भगवान ने एक छोटा सा तिनका उठाया, जयंत के पीछे लगा दिया। अब जहां जहां जयंत भाग रहा है पीछे पीछे तिनका चला रहा है। जयंत को वो तिनका तिनका नहीं लग रहा, ब्रह्म बाण लग रहा है, ब्रह्म बाण। जयंत घबरा गया, ओ मेरे पीछे ब्रह्म बाण लग गया, मैं तो मारा गया, देखो कहां कहां गया है। वहीं आप भी जाते हो, वो अकेला नहीं गया है, आप सब वही करते हो जो जयंत कर रहा है। ये किसी और की कहानी नहीं है, आपकी कथा चल रही है, आपके जीवन की कथा चल रही है। सबसे पहले जयंत गया है इंद्र के पास। आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, आप भी अपने मन का दरवाजा खोलते हो, अपने मन से पूछते हो मुझे क्या करना चाहिए। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। भगवान का ये बाण केवल जयंत के पीछे नहीं लगा है, हम सब के पीछे लगा है, ये काल का बाण है। बताओ जयंत को उसमें अपना काल दिखा कि नहीं दिखा? ये काल का बाण हम सबके पीछे लगा है, जहां हम जाते हैं ये बाण पीछे पीछे ही आता है, ये रुकता नहीं है। लेकिन इस मन के पास काल के बाण से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर मन के पास काल से बचने का उपाय होता तो मन स्वयं कालातीत ना हो जाता। इंद्र ने जयंत से कहा कि मूर्ख, मैं तो स्वयं घबरा रहा हूं, तू तो मरेगा ही मरेगा, मुझको भी मरवाएगा, भाग यहां से भाग। अब जयंत गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा किसे कहा जाता है? अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं ब्रिजी? चार हैं, चार तो अब हैं, पहले पांच हुआ करते थे। देखो एक कथा है, वो कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का निर्माण किया, और ब्रह्मा जी को सरस्वती जी बहुत सुंदर लगी, तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे दौड़ने लगे। सरस्वती जी दौड़ के शंकर जी की शरण में चली गईं, और शंकर जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। उस दिन से ब्रह्मा जी के सिर चार रह गए। बैठ जाओ, इसका अर्थ समझ लो कथा का। इस कथा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का निर्माण किया। आपने कोई वस्तु बनाई है, आपने कोई कविता लिखी है, किसी ने कोई चित्र बनाया है, हमने कथा करने लगे हम, तो आपको अपने बनाए चित्र पर आप मोहित हो गए। हाँ ये चित्र बहुत अच्छा है। अपनी बनाई मूर्ति पर कोई मोहित हो गया, अपनी बनाई कृति पर मोहित हो जाना, ये हम सबका स्वभाव होता है। ब्रह्मा जी को अपनी बनाई वस्तु पर मोह आ गया, अपनापन आ गया, मेरापन आ गया, ये मेरी हो जाए, कितनी सुंदर है। सरस्वती जी गई हैं शंकर जी की शरण में। शंकर किसे कहा जाता है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिनम, आपके सद्गुरुदेव भगवान ही शंकर हैं। तो गुरु जी क्या किया करते हैं मालूम है? गुरु जी उस अहंकार की वृत्ति को काट दिया करते हैं, यही उनके पांचवें सिर का काटा जाना है। वो जो ममत्व है बुद्धि में उसको काट दिया गया। इधर ब्रह्मा जी के जो चार सिर हैं ये चतुष्ट अंतःकरण का भी प्रतीक है। और उधर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी के बारे में लिख दिया, अहंकार शिव बुद्धि अज, अज अज माने ब्रह्मा जी, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चेत महान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारा चतुष्ट अंतःकरण है इसी का नाम ब्रह्मा है, ये बुद्धि विशेष के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा माने बुद्धि। बड़ा झंझट है महाराज। अच्छा एक और बात जान लें, हो सकता है कभी फिर आवश्यकता पड़ जाए तो काम आ जाएगी। देखो अंतःकरण एक ही हुआ करता है, अंतःकरण सदा एक हुआ करता है। यह अंतःकरण जिस समय किसी विषय पर दृष्टि डालता है, माने आंख के माध्यम से किसी विषय की वृत्ति इस अंतःकरण में उठती है, तो यह उस विषय के बारे में जब संकल्प विकल्प करने लगता है तो इसी अंतःकरण को मन नाम से जाना जाता है, एक ही वस्तु को। और जब ये
उस विषय के बारे में निश्चय करने लगता है तो इसको बुद्धि कहा जाता है। जब पूर्व में देखे गए किसी विषय से इस विषय का मिलान करने लगता है, माने स्मरण करने लगता है, तो इसी अंतःकरण को चित्त कहा जाता है। और जब ये उसके प्रति मैं भाव से भर जाता है कि ये मेरा है कि तेरा है, तब इसको अहंकार कहा जाता है। अंतःकरण एक ही है। चलिए, जयंत गया ब्रह्मा जी के पास। जब मन से बात नहीं बनी तो बुद्धि के पास गया, विचार करने लगा मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धि भी प्रकृति के अंतराल में काम करती है, जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। महाराज, बुद्धि जड़ है? जड़ कभी विचार किया करता है? बुद्धि तो विचार करती है। अरे बुद्धि जड़ है, अभी ये बल्ब लगा है, जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, अभी थोड़ी देर में कोई गुड़िया आएगी, बटन दबाएगी, ये प्रकाश देने लगेगा। बताइए, ये प्रकाश बल्ब का प्रकाश है कि जब बटन दबाया गया तो इसमें करंट आ गया, प्रकाश करंट दे रहा है? बोलो, तो प्रकाश करंट के कारण आ रहा है कि बल्ब से आ रहा है? करंट न हो तो बल्ब क्या प्रकाश देगा? तो बुद्धि आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, इसलिए प्रकाशित मालूम पड़ रही है। चैतन्य तो आप हैं। विषय, विषयों से चेतन है इंद्रियां, और विषय तो जड़ है ही। इंद्रियां मन के मुकाबले में जड़ हैं और विषय के मुकाबले में चेतन है, इंद्रियां बीच में है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। जयंत गया ब्रह्मा जी के पास, माने आप बुद्धि से विचार करने लगे कि काल के बांध से बचने का कोई उपाय है? इस बुद्धि के पास मृत्यु के दंश से बचने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु जवानी है तब आएगी, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अब तो जयंत घबरा गया, अब तो उसको लगा मेरे पास कोई आश्रय नहीं बचा। अच्छा, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता होगा। बस जिस समय जयंत हार गया मन में, अब मेरे पास कोई नहीं बचा, अब तो मैं मारा गया, उसी समय सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। अच्छा, नारद जी की आदत है, कोई दिख जाता है तो उसको पकड़ के उससे बातचीत करने लगते हैं। एक बार एक लड़का रात को अपने गांव वापिस आ रहा था, रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उसने ध्यान नहीं दिया, घूप अंधेरा था और कुएं में गिर गया। लेकिन ना तो वो कुआं बिल्कुल सूखा था कि उसकी हड्डी पसली टूट जाती, और न ही उसमें इतना पानी था कि वो डूब के मर जाता। उसमें इतना पानी था कि उसको चोट कम आई और वो जीवित रहा। लेकिन कड़कड़ाती सर्दियों की रात थी, बेचारा पूरी रात भीगे बदन कुएं में ही पड़ा रहा, कुड़कुड़ कुड़कुड़ उसकी हड्डियां करती रही। पूरी रात विचार करता रहा, बस सुबह को आएगा और मुझे बचाएगा। एक पंडित जी थे, सुबह सुबह 4:30-4 बजे जाया करते थे अपने मंदिर की ओर, उनका वही रास्ता पड़ता था। तो वो सीताराम 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 करके जा रहे थे, तो उस लड़के के कान में आवाज आई, वो समझ गया कि हो ना हो पंडित जी ही इधर से जा रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाई, उस लड़के ने बचाओ बचाओ पंडित जी, मुझे बचाओ। पंडित जी ने देखा आवाज तो कुएं में से आ रही है, कुएं में झांक कर देखा तो हल्का हल्का सूर्य निकला था, थोड़ी रोशनी थी, तो वो लड़का दिख गया। पंडित जी ने अपना गमछा निकाला, धोती खोली, उसका एक लंबा रस्सा बनाया और कुएं में डाल दिया। उस लड़के को बाहर निकाल लिया, बेचारा भीगा पूरी रात पड़ा रहा, अब भी भीगा है, कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है। उस लड़के से एक गलती हो गई, उसने पंडित जी के चरणों में प्रणाम करके कह दिया, पंडित जी आपने बड़ी कृपा की जो मेरे प्राण बचा लिए। बस पंडित जी ने कहना शुरू किया, बेटा यहाँ कौन किस पे कृपा कर सकता है, भगवान ही कृपा करने वाले हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं। तू मर गया होता तो तुझको कौन बचाता, तेरे प्राण इसलिए बचे हैं क्योंकि तेरी अभी आयु शेष है, मैं भी 1 घंटा जल्दी आ गया हूँ, ऐसा है वैसा है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, पंडित जी जो शुरू हुए तो पंडित जी चुप ही नहीं हुए। वो लड़का दोबारा चरणों में गिर गया, उसने कहा पंडित जी एक कृपा मुझ पे और कर दे, मुझको दोबारा इस कुएं में डाल दे। पंडित जी ने कहा अरे ऐसी बात क्यों कहता है, उसने कहा मरना तो मुझको वैसे भी है, मैं इसी में डूब कर मर जाऊंगा। तो जयंत ने देख लिया नारद जी को, नारद जी संत हैं, नादरंध की प्राप्ति वाले महापुरुष को, आत्मज्ञानी महापुरुष को, शिवपद निष्ठ महापुरुष को नारद कहा जाता है। लेकिन जयंत ने जब नारद जी को देखा तो जयंत रास्ता बदलने लगा,
क्यों? जयंत विचार करने लगा है कि अगर मैं नारद जी ने मुझको देख लिया और मुझको आवाज लगा के अपने पास बुला लिया तो मुझे इनके पास खड़ा होना पड़ेगा, और अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो ये बाण पीछे लगा है मुझको मार देगा। वो तो नारद जी ने भागते हुए जयंत को खुद ही देखकर दूर से आवाज लगाई, ये जयंत कहां भागा जा रहा है, रुक इधर। अब तो जाना ही पड़ा। नारद जी ने कहा कहां भाग रहा है रे? जयंत ने कहा संत जी अभी समय नहीं है कुछ बताने का, बस इतना देख लीजिए कि मेरे पीछे ब्रह्म बाण लगा है मुझको मार देगा। नारद जी ने कहा चिंता मत कर, देख क्या ये तुझसे तेज नहीं भाग सकता है, क्या ये तिनका तुझसे तेज नहीं भाग सकता है, ये उतनी ही स्पीड से भागता है जितनी स्पीड से तू भागता है। देख अब तू रुक गया ना, ये भी आकर खड़ा हो गया, ये भी आकर खड़ा हो गया। और वास्तव में जयंत ने देखा वो तीर एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सर्र 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 घूम रहा था। नारद जी ने कहा बता क्या बात है। जयंत ने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, भगवान की परीक्षा लेने का विचार आया तो मैंने सीता जी के पैर के अंगूठे में चोंच मार दी, उनको जख्मी कर दिया। नारद जी ने कहा अच्छा तो ये तिनका भगवान ने छोड़ा है तेरे पीछे? जयंत ने कहा हाँ भगवान ने छोड़ा है। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख तू त्रिलोकी में कहीं भी चला जा, भगवान के छोड़े बांध से बचने का किसी के पास कोई उपाय है? तू दौड़ रहा है पागलों की तरह। जयंत ने कहा तो क्या करूं, मर जाऊं दौड़ू भी ना? नारद जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर इस बाण से बचना चाहता है तो जा चला जा उन्हीं के चरणों में, चला जा जिनका ये बाण है, चला जा उन्हीं राम के चरणों में। जयंत आया वापिस भगवान के चरणों में, हड़बड़ाहट में गिर गया, बेचारा उल्टा गिरा था, सिर करना चाहिए ना चरणों की तरफ माता जी, सिर नहीं किया गया उससे, सिर उल्टी दिशा में कर लिया। सीता जी ने देखा दया आ गई, सीता जी ने जयंत को उठाया सीधा कर दिया और भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान ने जयंत को कहा खड़ा हो, क्यों रे अब यहाँ क्यों आ गया, पहले वहां क्यों चला गया था, पहले उधर क्यों चला गया था सीता जी के पास, पहले ही मेरे पास आ जाता इतना संकट पड़ता। उसने कहा महाराज पहले मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। भगवान ने कहा तो देख लिया मेरा प्रभाव? जयंत ने कहा हाँ भगवान अच्छी तरीके से देख लिया, तो अब दोबारा क्यों आ गया, प्रभाव देखना चाहता था प्रभाव देख लिया दोबारा क्यों आया है, अब क्या देखने आया है? जयंत ने कहा भगवान अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। भगवान का स्वभाव कैसा है? हाँ भगवान करुणा के धाम है, करुणा का रहे हैं, भगवान का स्वभाव है करुणा कर देना। भगवान ने उस तिनके को पकड़ा और जयंत को एक आंख का कर दिया, क्या कर दिया, काना कर दिया। ऐसी ही एक कथा और आती है माता जी, वो वामन भगवान आए थे बलि महाराज के यहाँ और बलि महाराज से कहने लगे कि मुझे तीन पग भूमि दे दे। बलि महाराज ने उनकी कद काठी देखी तो जाना अरे तीन कदम इनके तो इतने से हो जाएंगे। बलि महाराज ने कहा अरे पंडित जी क्या तीन कदम भूमि का करोगे, राजा के पास आकर मूली मांग रहे हो मूली, अरे कोई ढंग की चीज मांगो हम दे दे। वामन भगवान ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तीन पग भूमि चाहिए। मालूम है ये तीन पग क्या हैं? यही तीन लोक तीन पग हैं, आपका जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, यही तीन पद हैं। इसी अच्छा जब हम जगत कहते हैं संसार कहते हैं सब बाहर की ओर दौड़ जाते हैं, संसार माने ये अमेरिका रूस जापान चीन, अरे नहीं नहीं भाई, संसार माने इदम शरीरम कौनते ये क्षेत्र मित्य भी दिए थे, धर धरनी करे कई लेखा जो भीतर सो बाहर देखा। जब हम जगत की बात करते हैं तो ये शरीर इसकी तीन अवस्थाएं यही जगत है, इसके अलावा कोई जगत नहीं है, सब इसी से कल्पित है। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, व्यष्टि में पकड़ लिया जाए तो समष्टि में अपने आप पकड़ा जाता है, जगत माने शरीर। चलो कोई बात नहीं फिर कभी समझाएंगे जब फुर्सत मिलेगी। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब बलि महाराज ने कहा ठीक है नहीं मानते तो जो तुम चाहते हो वही ले लो। भगवान ने कहा पहले संकल्प कर दो भैया, और वहां शुक्राचार्य जी महाराज थे वो समझ गए ये कौन है, ये पंडित जी बनकर खड़े हैं ना छोटे से, ये भगवान आए हैं भगवान, ये इसका सब कुछ ले लेंगे। तो उन्होंने बलि से कहा खबरदार मेरा चेला
इसको संकल्प मत कर देना, ये विष्णु है, तेरा सब कुछ ले जाएगा। बलि महाराज ने कहा मैं वचन दे चुका हूँ, अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने क्या किया, एक छोटा सा एक लुटिया होती है उसमें टोंटी लगी होती है जिसमें से पानी आता है बूंद बूंद करके, जब हमारे पंडित जी संकल्प करवाते हैं तो बस उसी का जल निकालते हैं, हथेली पे डालते हैं बूंद बूंद करके। शुक्राचार्य जी महाराज उस पात्र की टोंटी में जाकर घुस गए, रास्ते को रोक लिया। अब भगवान उसको टेढ़ा करते हैं तो उसमें से पानी नहीं निकलता, क्योंकि पानी कैसे निकलेगा उसमें, तो शुक्राचार्य जी महाराज फंसे हैं जाकर। तो भगवान ने सोचा ऐ इसमें कोई कचरा फंस गया होगा, अपने झोले में से एक तिनका निकाला और उस टोंटी में इस तरीके से, हम नहीं करते हैं तिनके से साफ करते हैं, भगवान ने वो तिनका टोंटी में डाला और शुक्राचार्य जी महाराज को एक आंख का कर दिया, एक आंख का। बोलो, ऐसा लगता है कि भगवान को कोई काना करने का शौक चढ़ जाता है, कभी कभी जिसको देखते हैं उसको काना ही किया करते हैं। एक और कहानी सुनो, एक और महापुरुष है हमारे अर्जुन जी, अर्जुन का नाम सुना है? अरे अर्जुन महाभारत वाला, हाँ, उसने एक मछली को काना किया था एक बार। कौन सी कहानी है? अरे भैया, द्रुपद महाराज की कन्या द्रौपदी जवान हो गई थी, द्रुपद महाराज विचार करते थे कि इसका विवाह किसी अच्छे तीरंदाज से करूँगा, ये जो मेले में लोग तीर चलाते हैं ना, बड़े अच्छी तीरंदाजी करते हैं, नट होते हैं ना नट, अरे जो ये नाच इत्यादि दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, ये भी बड़ी अच्छी तीरंदाजी करते हैं। द्रुपद ने कहा कि जो इस दुनिया का सबसे बढ़िया तीरंदाज होगा उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। उसने क्या किया इंतजाम, उसके महल की एक गगनचुंबी छत थी, उसके भीतर की तरफ से एक मछली लटकाई गई है, मछली एक तीर है, तीर में एक मछली ऐसे डाली गई है, समझ गए क्या? मछली की दो आंख होती है, एक आंख ऊपर की ओर है, एक आंख नीचे की ओर है, लेकिन वो मछली नीचे से दिखती नहीं है। जैसे इस समय ये पंखा, ये कुछ गोल गोल घूम रहा है ये तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन इसमें कितने पर हैं ये नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई देती थी वो मछली? क्योंकि वो तीर इतनी तेजी से घूम रहा था कि एक चक्री सी घूमती दिखाई देती थी, वो चीज क्या है दिखाई नहीं देती थी। तो मछली ही नहीं दिखाई दे रही थी महाराज, मछली की आंख कैसे दिखाई देती, विचार करो। और शर्त क्या है? शर्त है कि इस मछली की जो नीचे वाली आंख है उसमें इस प्रकार से तीर लगाना है कि वो आंख में जाते ही रुक जाए, ऊपर वाली आंख नहीं मिटनी चाहिए, ऊपर की ऐसी रहे, नीचे वाली आंख खत्म हो जाए, माने मछली कानी हो जाए। कथा कहती है सबने प्रयास किया लेकिन कोई उस मछली की आंख को नहीं भेद पाया, और अर्जुन आया, उसने क्या किया, नीचे एक स्वर्ण पात्र रखा है, स्वर्ण पात्र, और उसमें घी डाल दिया गया है, घी देखते अर्जुन जब नीचे देखता है तो वो मछली भी दिखती है और उसकी आंख भी दिखती है। अर्जुन ने देखा नीचे, मारा ऊपर, एक तीर छोड़ा, मछली की आंख में धस गया और रुक गया। जैसे ही रुक गया वहां से द्रौपदी आई वरमाला लेकर और अर्जुन के गले में डाल दी, विचार करो। इन कथाओं का कोई अर्थ तो होगा। देखो, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जय सिया राम जय जय सिया राम। सबके पास दो प्रकार की दृष्टि होती है, सबके पास दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक देह दृष्टि हुआ करती है, एक आत्म दृष्टि हुआ करती है, एक अधोमुखी दृष्टि होती है, एक ऊर्ध्वमुखी दृष्टि होती है, एक संसारोन्मुखी दृष्टि होती है, एक परमात्मोन्मुखी दृष्टि होती है, एक बहिर्मुखी दृष्टि होती है और एक अंतर्मुखी दृष्टि होती है।
जो देहोन्मुखी दृष्टि है, संसारोन्मुखी दृष्टि है, जो अधोमुखी दृष्टि है, जो बहिर्मुखी दृष्टि है, वो बंधन में डालने वाली है, दुख में डालने वाली है, बार बार जन्म मरण में ले जाने वाली है, वासना उत्पन्न करने वाली है, चिंता में डालने वाली है, जीवन नष्ट करने वाली है, आसक्ति के कीचड़ में गिरा देने वाली है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में, एक एक ही दृष्टि। अगर संसार की ओर देखने लगेगी तो आसक्ति को पैदा करके आपको बंधन में डाल देगी, दुख में डाल देगी। वही दृष्टि अगर अंतर्मुखी हो जाए, भगवानोन्मुखी हो जाए, परमात्मोन्मुखी हो जाए, ऊर्ध्वमुखी हो जाए, तो वो बंधन से मुक्त कर देगी, आसक्ति से निकाल कर भक्ति के मार्ग पर चला देगी, आपके दुख को दूर कर देगी, आपको आत्मानंद परमात्मानंद दिलवा देगी। संत क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, आपकी अधोमुखी दृष्टि को फोड़ दिया करते हैं और ऊर्ध्वमुखी दृष्टि को छोड़ दिया करते हैं। यही एक आंख फोड़ देना है। जो साधक संत के दरवाजे पर पहुंच गया, संत का एक ही काम है, संत उसकी दृष्टि बदल देता है, दृष्टि उसका देखने का ढंग बदल जाता है। अभी उसको जड़ जगत सत्य मालूम पड़ता है, परमात्मा मालूम नहीं पड़ता। दो चार दिन सत्संग में आएगा जाएगा तो उसको ये जड़ जगत मिथ्या मालूम पड़ने लगेगा और परमात्मा में सत्यानुभूति होने लगेगी। यही तो संत का काम है, इसी से तो जीवन बनेगा। दूसरी कथा सुनो। एक भक्त हुए हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, अगस्त ऋषि के शिष्य थे, बड़े भोले थे। एक दिन गुरुजी ने सुतीक्ष्ण महाराज से कहा, सुतीक्ष्ण जा आश्रम से गैया को खोल ले और इसको चराने के लिए ले जा, शाम को आ जाना लेकर। सुतीक्ष्ण गया, उसने गाय को खोल लिया, निकलने लगा तो गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, ए कांज इधर। भगवान को ले लिया कि नहीं ले लिया? बेटा जब भी आश्रम से बाहर जाओ ना, अपने भगवान को साथ ले जाया करो। अरे वहाँ एक सालीग्राम भगवान थे, सालीग्राम भगवान आपको समझती है माता जी, एक काला काला होता है, गोल गोल मटोल पत्थर का, बस उसी को चंदन चंदन तिलक लगाते हैं, माने उसमें भगवान की प्रतिष्ठा कर देते हैं। जल ले जाओ भगवान को, और जब भूख लगेगी ना, पहले इनको भोग लगाना फिर कुछ खाना, इनको भोग लगाए बिना मत खाना। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने उठाया भगवान को, अपने अंगोछे में बांध लिया, गाय को लेके चले गए जंगल। बस सुतीक्ष्ण जी महाराज को थोड़ी ही देर में भूख लग गई। अब जंगल में जामुन बड़े सुंदर सुंदर लगे थे, एक पेड़ था नदी के किनारे, बड़े मोटे मोटे जामुन उस पे लगे थे। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने सोचा, आज तो इसी पेड़ के जामुन खाऊंगा, लेकिन वो पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पे चढ़ना सुतीक्ष्ण जी के बस की बात है। तो और कोई उपाय है जामुन तोड़ने का? अरे पत्थर मारो पत्थर, आप सीधा ही भगवान को ड्यूटी पे लगा देना चाहते हो, पहले पत्थर तो ढूंढो, अगर कोई पत्थर मिल जाए तो पत्थर से मारेंगे, जामुन टूटेंगे, हम खाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। अरे उस दिन न मालूम क्या हुआ, भगवान की कौन सी लीला थी भैया, जंगल फुरोल मारा लेकिन उनको कोई पत्थर ही नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तब भगवान की याद आई। आपको भी ऐसा ही होता है, एक बात बताएं आपको, आपका बस चले ना इस दुनिया में तो आप कभी भी भगवान को याद ना करो। आपको भगवान की याद आती ही तब है जब आप हिम्मत, जब आपके बस की बात नहीं रहती है। हाँ सही सही बोल रहा हूँ। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज को भगवान की याद आई, क्यों पत्थर नहीं मिला ना, तो चलो आज भगवान से ही काम चलाएंगे। उठाया सालीग्राम भगवान को और दे ताना वो ताना, बहुत सारे जामुन तोड़ लिए। अब एक और जामुन था, ये मोटा मोटा गल गल चमकदार। सुतीक्ष्ण जी महाराज की आंख अटक गई उस जामुन पर। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा, बस एक ये जामुन और टूट जाए फिर खाऊंगा, और इतनी जोर से वो सालीग्राम भगवान को मारा कि वो जामुन पे टकराया। जामुन तो सुतीक्ष्ण जी के पास आ गया, लेकिन सालीग्राम भगवान बेचारे टहनी से टकराकर नदी में गिर गए। आप तो सुतीक्ष्ण जी महाराज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, गुरु जी को क्या जवाब दूंगा।
अब नदी में झांक कर देखते हैं तो इतनी गहरी नदी महाराज, कौन इसमें डुबकी मारेगा। और तो कुछ उनको सूझा नहीं, वो जो जामुन था ना जो अंत में टूटा था उसी पर सारा इल्जाम इन्होंने लगा दिया, तेरे कारण से सब कुछ हुआ है, तू ही ना होता तो मेरे साथ ऐसे घटना ना होती। तो उसको खाया नहीं, उसको अलग रख दिया, बाकी जामुन खा लिए। शाम हुई तो चुपके से मंदिर में गए और जहाँ शालिग्राम भगवान पड़े रहते थे वहाँ वही जामुन रख दिया। सेम टू सेम थे दोनों के दोनों, वैसे ही काले, वैसे ही चमकदार, वैसे ही गोल गोल मटोल। पूरी रात बेचारा जामुन वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह उठे 3:30 बजे, गुरुजी नहा धोकर फटाफट तैयार हुए, चंदन रगड़ा, शालिग्राम भगवान समझ के जामुन को उठाया। अब उस पे चंदन रगड़ रहे हैं, मंत्र बोलते बोलते जैसे हमारे पंडित जी, उसका छिलका उतर गया। अगस्त ऋषि ने आवाज लगाई, ये सुतीक्ष्ण, ए हमारे शालिग्राम भगवान को तू क्या कर दिया रे। सुतीक्ष्ण जी महाराज दौड़े दौड़े आए, कहने लगे, गुरुजी प्रतिदिन चंदन प्रतिदिन पानी, अब तुम्हारे शालिग्राम भगवान गली जाई तो हम का जानी। महाराज हर रोज इसको पानी में डुबो डुबो के आपने गला दिया है, आपके भगवान गल गए। गुरुजी ने उठाई अपनी छड़ी, दौड़ा लिया सुतीक्ष्ण को, भाग यहाँ से भाग। और जाते जाते सुतीक्ष्ण जी महाराज रोने लगे, कहने लगे, गुरुजी इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, अगर आपने भी मुझको निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। गुरुजी ने कहा, सुतीक्ष्ण तू भगवान को लेकर आ, भगवान को लेकर आ, अब भगवान को लेकर आएगा तभी तुझको आश्रम में प्रवेश मिलेगा, भगवान के बिना मत आ जाना। सुतीक्ष्ण जी रोने लगे, जंगल में चले गए, अब मैं भगवान को लेकर ही लौटूंगा, लेकिन मैं भगवान को खोजूंगा कहाँ, ये प्रश्न पैदा होता है। लेकिन आपके जीवन में हो सकता है ये प्रश्न पैदा ना हुआ हो, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मैं भगवान को कैसे पाऊं। प्रश्न तो है आपके मन में, लेकिन मैं धन कैसे पाऊं, मैं प्रतिष्ठा कैसे पाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, मैं ऐसा कैसे हो जाऊं, माने अपने सुख की सबको चिंता है, मैं भगवान को कैसे पाऊं। अगर ये प्रश्न किसी के जीवन में पैदा हो गया शीला, तो धन्य है वो, धन्य है जिसके जीवन में ये प्रश्न पैदा हो गया, मैं भगवान को कहाँ से खोज लाऊं। कारण चाहे कोई भी हो, सुतीक्ष्ण जी महाराज जंगल में दौड़ने लगे, विचार करते हैं कि इस रास्ते से जाऊं, दंडकारण्य में भगवान आए हुए हैं, मैंने सुना है कि वो चित्रकूट से प्रस्थान कर चुके हैं, आज नहीं तो कल इस जंगल से ही होकर गुजरेंगे, इस रास्ते से जाऊं। दौड़ते चले गए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वहां जाकर विचार करने लगे, अरे सुतीक्ष्ण भगवान उधर से तो नहीं चले जाएंगे। वापिस लौट कर आए, उधर दौड़ने लगे, कभी इधर दौड़ते हैं कभी इधर दौड़ते हैं, अंत में सुतीक्ष्ण जी थक भी गए शरीर से भी और मन से भी। तो उन्होंने विचार किया है, सुतीक्ष्ण क्या तेरे दौड़ने से भगवान मिल जाएंगे, तूने ऐसा किया ही क्या है कि भगवान तुझे मिले, तेरे पास है ही क्या, तेरे पास तो बस एक भरोसा है कि भगवान उसके होते हैं जिसका कोई नहीं होता, और तेरा आज दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बानी करुणा निधान की, इस वचन के भरोसे अगर भगवान आ जाएं तो आ जाएं, नहीं तो भगवान तुझको मिलने वाले। सुतीक्ष्ण जी महाराज बीच चौराहे पर जंगल के बीच में बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया, कई तेज राह भटक गए, कई सुस्त हो गए लापता, जो आके चरणों में झुक गए उन्हें आके मंजिल ने पा लिया। एक बात पे ध्यान दो, आपको पानी चाहिए था, पानी किसी ने कहा जमीन के नीचे पानी है, जमीन खोद लो, आपने जमीन खोदने वाले बुलाए, बहुत बड़ा आंगन है आपका, ये जो स्कूल का पंडाल है इससे भी बड़ा आंगन रहा होगा, आपने मजदूरों से कहा कि यहाँ खोदो 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 पानी निकलेगा, मजदूरों ने खोदना शुरू कर दिया, यहाँ हर फुट के बाद आप पूछते हो पानी निकला पानी निकला, 10 फुट खोद दिया उन्होंने, 10 फुट आप पूछ रहे हो पानी निकला, मजदूरों ने कहा नहीं निकला, आपने कहा नहीं निकला छोड़ दो यहाँ खोदो, यहाँ भी 10 फुट खुदवा दिया, वहाँ भी 10 फुट, वहाँ भी 10 फुट, वहाँ भी 10 फुट,
आपने अपने आंगन में 20 जगह 10-10 फुट के 20 गड्ढे करवा दिए। आंगन बचा ही नहीं, जहां देखो वहां गड्ढा या मिट्टी का पहाड़ बचा। पूरा आंगन खत्म हो गया ना, पानी मिला नहीं। अगर इसकी जगह आपने धैर्य रखा होता और जहां खोदना शुरू कर दिया था वहीं 20 धाया 200, खोदते चले गए होते तो बताओ आपको पानी मिल गया होता कि नहीं मिल गया होता? गारंटी है। आप रेगिस्तान में भी क्यों ना खोदने लग जाओ, आज नहीं तो कल 1000 फुट पे मिलेगा कि 5000 फुट पे मिलेगा, लेकिन पानी मिलेगा। एक रास्ते पर चलो, एक रास्ता पकड़ लो, कोई एक रास्ता पकड़ लो भगवान की प्राप्ति का, और फिर मुड़ के पीछे मत देखो, बार बार दाएं बाएं मत झाको, घबरा मत, अभी तक नहीं मिले। एक रास्ते पर दौड़ो, और या फिर सुतीक्ष्ण जी महाराज की तरह जब दौड़ दौड़ कर थक जाओ तो सब रास्तों को छोड़ दो और बस समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। सुतीक्ष्ण जी महाराज जैसे ही बैठे, आंखों को बंद किया, भगवान अंतःकरण में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और सुतीक्ष्ण जी महाराज अंतःकरण में आए हुए उन परमात्मा को देखकर आत्मविभोर हो रहे थे कि इतने में परमात्मा सामने भी आ गए शरीर से। भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ लेकर सुतीक्ष्ण जी महाराज के सामने खड़े हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी महाराज भीतर झांक रहे हैं। तो भगवान ने भीतर से जो अपना स्वरूप था वो निकाल लिया। जैसे ही भीतर का स्वरूप छूट गया, सुतीक्ष्ण जी महाराज छटपटाने लगे। उस छटपटाहट में उनकी आंखें खुल गई, सामने भगवान को साक्षात खड़े देखा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम कर दिया। भगवान ने कहा सुतीक्ष्ण तू क्या चाहता है? सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा बस एक बार हमारे साथ हमारे गुरु जी के आश्रम में चलिए भगवान। हमारे गुरु जी ने कहा था भगवान को लेकर आना। अगस्त ऋषि ने जब सुतीक्ष्ण को भगवान के साथ आते देखा, अगस्त ऋषि ने कहा सुतीक्ष्ण तू धन्य है, तेरे कारण से मुझको भगवान के दर्शन हो गए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगली कथा सुनो। देखो अभी तक मैंने आपको दो कथाएं सुनाई हैं, एक जयंत की और एक सुतीक्ष्ण की। जयंत की कथा कहती है कि अंतर्मुखी दृष्टि होनी चाहिए, और सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा कहती है कि भगवान के चरणों में सर्वभाव से समर्पण कर देना चाहिए। तीसरी कथा, भगवान ने चित्रकूट छोड़ दिया। सीताराम 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 रामचंद्र भगवान की। आज भगवान चित्रकूट को त्याग कर पंचवटी में आ गए। पंचवटी में क्या पंचवटी में भगवान आज ही आए हैं कि भगवान सदा से पंचवटी में ही रहते हैं? विचार करो ये पंचवटी क्या है, हैं? सदा ही रहते हैं, मालूम नहीं पड़ते। ये पंचवटी क्या है? आपका शरीर ही पंचवटी है। ये तत्व पांचों का बन, ये पांच का बना है, ये पांच का ही बना है। तुम जब भी मैं चित्रकूट बोलता हूं या किसी शहर का नाम लेता हूं, बाहर मत दौड़ जाया करो, यहीं टिकी रहो, इसी की कहानी चल रही है पहले दिन से आज तक। पंचवटी क्या है? ये मनुष्य शरीर ही पंचवटी है, पांच की बनी है। तत्व पांचों का बना यह देह सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। भगवान पंचवटी में आ गए। देखो मैं अक्सर सुनाया करता हूं कि यहां अगर मैं एक टाट होता है ना स्कूल में, टाट 1.25 फुट चौड़ा, हम वो टाट बिछा दें और सबसे कहें कि इस टाट के ऊपर यहां से वहां तक दौड़ के जाना है, लेकिन शर्त एक है कि पैर टाट से नीचे फर्श पर नहीं पड़ना चाहिए। सब दौड़ जाएंगी, 80-80 साल की भी दौड़ जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है, और दौड़ने में सक्षम नहीं होंगी तो चल के तो जा ही सकती हैं। अब हमने उस टाट जितनी चौड़ी एक दीवार खड़ी कर दी है, ये पहली मंजिल जितनी, और आपसे कह रहे हैं कि यहां से चलो इतनी
चौड़ाई उतनी है ब्रिज जी, लेकिन ऊंचाई बुला दी है। हमने कहा यहां से चलना है, वहां पहुंचना है और दौड़ कर जाना है। बताओ कितने दौड़ कर जाओगे? चले जाएंगे। कौन बोला रे? हाँ अच्छा ठीक है, दौड़ कर तो जाना भूल ही जाओ महाराज, लेकिन चले जाएंगे किसी तरह ढिलक पिलक करते हुए। और अगर वो दीवार मैंने पहाड़ की ऊंचाई पर बना दी कि जिस ओर देखती हो तो खाई दिखती है, कलेजा मुंह को आता है, अगर उस ऊंचाई पे आपसे कहा जाए कि इसको पार कर दो तो चल के जाना तो असंभव है, आप घिसट घिसट के भी नहीं जा पाओगे, कलेजा कांप जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर होते हो गिरने का खतरा उतना ही। बताओ सबसे कीमती शरीर कौन सा है? अरे रेंगने वाला, उड़ने वाला, तैरने वाला, पूंछ वाला, सींग वाला, चार पैरों वाला, या ये दो पैरों वाला? हैं? बड़े भाग बुढ़े, वो सबसे कीमती शरीर है ना। हाँ सबसे कीमती शरीर है, तो जितना जितनी ऊंची वस्तु होती है उससे गिरने का खतरा भी। आपने देखो, आपने किसी जानवर को कभी टेंशन में देखा है? अरे गजब बात है, गजब। आपने देखा है? हैं? आप तो मुंडी ऐसे ही। आपने किसी जानवर को टेंशन में देखा है? अरे जा जुठे, जानवर को कभी टेंशन नहीं होती है जी। देखो इस दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा है जो माने सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, रोता है। किसी पशु का बालक चला जाए ना तो वो रोता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, उसकी स्मृति नहीं होती है इतनी जल्दी से, भूल जाता है, चोट को भी वो कम समझता है और दुख वुख उसके जीवन में नहीं होता है, बस थोड़ा हुआ दो पल के लिए और फिर बाद में संभल गया। ये आदमी जो है ना, ये सबसे समझदार है लेकिन सबसे दुखी ये आदमी ही है। बोलो क्यों? क्योंकि इतनी कीमती वस्तु इसको मिल गई है कि इससे संभाली नहीं जा रही है, इसलिए ये दुखी हो रहा है। अच्छा पशुओं में तो पाप पुण्य भी नहीं है, इसमें तो पाप पुण्य भी है, हैं? इसमें सबसे ज्यादा झगड़ा झंझट है। क्यों? अच्छा ये कीमती क्यों है? हाँ बिटिया बोल। अरे ये तेरा है आवाज तो आ रही है, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, देखो हाँ संदीप की मम्मी बोल रही है, देखो इस शरीर से आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हो, ठीक है ना, इससे भगवान को पाया जा सकता है। इसकी कीमत इस कारण से है कि इस शरीर से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो सबसे कीमती शरीर ये मनुष्य शरीर है। और इस पंचवटी में सबसे ज्यादा माया भी इसी में आती है, सबसे ज्यादा वासना भी इसी में आती है। पशुओं में इतनी वासना नहीं होती है जितनी इस मनुष्य शरीर में होती है। अच्छा बताओ अभी तक की यात्रा में भगवान के जीवन में वो तारका ही एक आई थी, और तो कोई नहीं आई? अब भगवान पंचवटी में आए हैं ना, सुरपन खाएगी, खर आएगा, दूषण आएगा, त्रिशिरा आएगा, 14,000 राक्षस आएंगे, मारीच भी इसी में आएगा, रावण भी इसी में सीता जी को चुरा ले जाएगा, सब झगड़ा झंझट इस पंचवटी में है। मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा झगड़ा झंझट है, तो महाराज इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अरे वही करो जो भगवान ने किया। क्या किया? भगवान पंचवटी में आए देवेंद्र जी, आते ही भगवान ने सत्संग प्रारंभ किया। श्रोता कौन थे? सीता जी और लक्ष्मण जी। वक्ता कौन थे? राम जी। हैं? लक्ष्मण जी ने जाते ही प्रश्न किया भगवान, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, कृपया आप इसका निरूपण करके बताइए। भगवान ने माया का निरूपण किया है, माने निरूपण किया है, बहुत अच्छा, उसको राम गीता कहा जाता है, पढ़ें आप कभी रामचरितमानस में। थोड़े मऊ सब कहूँ बुझाई सुनो तात मति मन चितलाई, बहुत अच्छा प्रसंग है। अच्छा एक बात सुनो, जब कोर्स पूरा हो जाता है स्कूल में तो उसके बाद मास्टर जी क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो बस वहां जैसे ही सत्संग पूरा हुआ परीक्षा आ गई, कौन आया? सुरूप नखा आ गई, सुरूप नखा।
ये देखने के लिए आई है कि देखें ये सत्संगी सच्चे हैं कि कच्चे हैं, ये सत्संगी सच्चे हैं कि कच्चे हैं। अब सुरूपनखाई महाराज भगवान सीता जी की ओर देख रहे थे, भगवान सीता जी को देखते रहे, सीता जी भगवान के चरणों को देख रही थी, सीता जी भगवान के चरणों को देखती रही, और लक्ष्मण लाल जी भगवान के चेहरे को देखते रहे। बेचारी की ओर किसी ने देखा ही नहीं, तो बेचारी को बड़ा इंसल्टेड सा फील हुआ कि मैं आई हूं, इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि जब सुरूपनखा आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना चाहिए, या तो भगवान की तरह सीता जी की ओर देखो, माने अपनी भक्ति का विचार करो कि मैं तो भक्ति के रास्ते पर मुझे चलना है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, या लक्ष्मण जी की तरह भगवान के चरणों का आश्रय लो, हे भगवान सुरूपनखा आ गई है बचाओ, और या फिर भगवान का चेहरा देखने लगो, माने भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगो। लेकिन भगवान ने भी नहीं देखा, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। एक बार क्या हुआ, जब विभीषण भगवान की शरण में आया ना, तो भगवान ने विभीषण को आते ही छाती से लगाया और लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव कहने लगा, भगवान आप तो बड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, आपने विभीषण को लंका का राजा अभी से बना दिया, अरे अभी लंका हमने जीती नहीं है, अभी से बना दिया, अरे अभी रजिस्ट्री मकान की आपके नाम नहीं हुई है, आपने उनके नाम क्यों करा दी, 13 साल का वनवास करने के बाद सीता जी चोरी चली जाएंगी, तब सीता जी को खोजते खोजते कभी आएंगे, लेकिन आने को कल भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा एक बात सुनो, आप कई बार 10 मिनट के लिए झपकी लेती हो माता जी, और इतना लंबा सपना देख लेती हो, क्योंकि वहां समय की माप अलग होती है, यहां समय की माप अलग है, तो परमात्मा के दरबार में समय की माप अलग होती है, परमात्मा चाहे तो आपके 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी कहानी अपनी पूरी करा सकता है। अरे आजकल फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता है, फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाया खटखट, सुनो भगवान कल भी आ सकते हैं, भगवान कल भी आ सकते हैं। गुरुजी चले गए, अब शबरी क्या कर रही है अपनी कुटिया में, भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। देखो शबरी ने झाड़ू लगाना शुरू किया, कहाँ कहाँ लगा दिया, अरे जंगल में जहां से कोई नहीं आया कभी भी, घोर घने जंगल में, सुबह सुबह झाड़ू लेकर निकल जाती है शबरी, और झाड़ू मारती है पैर से पगडंडी बनाती है, झाड़ू मारती है पैर से पगडंडी बनाती है, आज इधर निकली है इधर, तो 4-5 मील तक चलती चली गई, एक पगडंडी बन गई, अंधेरा हो गया वापिस आ गई, अगले दिन इधर, उससे अगले दिन इधर, क्या किया उसने, पूरे जंगल में पगडंडियां बना दी। और दुनिया वाले शबरी से पूछते हैं, बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या, या जंगल से कौन आएगा, तो वो पलट के पूछती है, महाराज क्या भगवान इधर से नहीं आ सकते हैं, भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा बताओ आपने कभी झाड़ू मारी है, बोलो सिलाई वाली बहन जी झाड़ू मारी है, किस लिए झाड़ू मारी है, हैं? भगवान है, चल चल। अरे हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं, हम झाड़ू मारते हैं कि मेहमान आएंगे, हाँ मेहमान आएंगे, हम भगवान के लिए नहीं मारते, काम हमने भी वही किया, काम शबरी ने भी वही किया, हमने अपने लिए किया, शबरी ने भगवान के लिए किया। हर रोज थोड़े थोड़े फल तोड़ लेती है, हर रोज थोड़े थोड़े फूल तोड़ लेती है, भगवान के लिए रख लेती है, भगवान का इंतजार करती है, बैठकर आएंगे भगवान आएंगे, भगवान का नाम जपती रहती है, नहीं आए मायूस हो जाती है, फिर गुरुजी का वचन याद करती है, अरे आज नहीं आए तो क्या हुआ, भगवान कल आएंगे, गुरुजी ने कहा है जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, फिर भगवान का नाम जपती है, पढ़ के सो जाती है इंतजार करते करते। अच्छा ये सोचती है भगवान आएंगे ना तो मैं उनको यहां बिठाऊंगी,
भगवान आएंगे तो मैं उनको अपने हाथ से खिलाऊंगी, भगवान आएंगे ना तो मैं उनको पंखा झोल दूंगी, भगवान आएंगे ना तो मैं उनके चरणों को पकड़ के लिपट जाऊंगी। मैं भगवान से कहूंगी, भगवान आप इतनी देर से क्यों आए हो, एक उदाहरण पकड़ो। जब हमारी किसी बहन की सगाई हो जाती है तो वो दिन रात अपने उस होने वाले पति के बारे में चिंतन करती है, बोलो करती है कि नहीं करती है। वो मुझको ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कहूंगी, वो ऐसा कहेगा तो ऐसा कहूंगी, अपनी सास की ऐसी सेवा करूंगी, ऐसे उसको पकवान बना बना के खिलाऊंगी। बताओ वो अपने अपने भविष्य की कल्पना करती है कि नहीं करती है। जो आदमी किराए के मकान में रहता है वो जब भी किसी के मकान के मुहूर्त पे जाता है, नोट करो इधर देखो, जो आदमी किराए के मकान में रहता है वो जब भी किसी के मकान के मुहूर्त पे जाता है तो उसका मकान की बनावट देखता है तो तुरंत भविष्य की कल्पना करने लगता है, मैं मकान बनाऊंगा ना तो ऐसी दीवार बनाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा ना तो ऐसा बेड लगाऊंगा, मैं मकान बनाऊंगा तो ऐसा करूंगा। बोलो आप अपने भविष्य की कल्पना करती हो कि नहीं करती हो। ऐसे ही मैं अपनी बहन को बोल रहा हूं, ऐसे ही हमें भगवान की कल्पना करनी है। ब्रिज जी, देवेंद्र जी, ये साधकों के लिए बोल रहा हूं, ऐसे ही हमको भगवान की कल्पना करनी है। देखो आपको आपके भगवान का नाम पता है, आपको अपने भगवान का चेहरा मोहरा कैसा है मैंने बता दिया, एक चित्र खरीद लो। आपने अपने भगवान से एक संबंध बनाया है, भाई का या कैसा भी, और आप उनकी उनका नाम जपती हो और उनकी प्रतीक्षा करती हो, तो उनकी कल्पना किया करो। मान लो कि आपने उसको अपना बेटा बना लिया, माता जी मान लो कि आपने भगवान को अपना बेटा बना लिया, दिन रात कल्पना किया करो, मेरा बेटा आएगा ना मैं उसको छाती से लगा लूंगी, मैं उसको गले से चिपटा लूंगी, मैं रोऊंगी, मैं उसकी आरती उतार दूंगी, उसकी नजर उतार दूंगी, उसके लिए कपड़ा खरीद के रख लो, उसके लिए आसन खरीद के रख लो, दो चार पांच सामान रखो घर में सहेज के अलमारी में एक अलग से कोना बनाकर, ये भगवान के लिए है। न मालूम भगवान कब आ जाए, फिर खरीदने बाजार भागोगी, तुमको मालूम विश्वास ही नहीं है कि वो आएंगे। अरे क्या कर रही हो भाई, ऐसा क्यों कर रही हो, विश्वास करो, तुम्हारा क्या चला जाएगा, 100 का पत्ता हमसे ले लेना है। प्रतीक्षा किया करो, कल्पना किया करो, हर रोज सुबह झाड़ू लगाया करो कि हो सकता है आज भगवान आ जाए हैं। हाँ, अपनी आंखों को बंद करके खूब कल्पना किया करो, वो आएंगे, मैं भोजन बना के तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डालूंगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो ऐसा करेंगे मैं ऐसा बोलूंगी, वो ऐसा करेंगे मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसी कल्पना किया करो। शबरी ऐसी ही कल्पना करती थी। 85 साल की हो गई, 85, कब से प्रतीक्षा करना शुरू किया था, पूरी उम्र बीत गई। आज खबर मिली है, कान में कोई बालक दौड़ते दौड़ते बोल गया है, राम आ गए, राम जी आ गए, राम जी आ गए। कहाँ आए हैं, वो आए हैं पंपा सरोवर पे, बहुत दूर आए हैं, वहां जहां सब संतों की के आश्रम बने। शबरी की कुटिया तो यहां है कोने में, तो कान में खबर पहुंची राम जी आ गए, शबरी उतावली हो गई, राम जी आ गए दौड़ूं, दौड़ती है, आधे रास्ते जाके हिम्मत हार गई, कहती है गुरु जी ने कहा था कि भगवान कुटिया में आएंगे, शबरी कुटिया मत छोड़ना, है बावली तू कुटिया छोड़ाई, वापिस भाग आती है कुटिया में। ठीक है, अच्छा चैन से बैठी है क्या, उकड़ू बैठी है कुटिया के बाहर ही, उकड़ू बैठी है, भगवान आ रहे हैं क्या, बार बार देखती है सामने से कोई आ रहा है क्या, रास्ता दूर तो खाली है कोई नहीं आ रहा। फिर सोचती है अरे गुरु जी ने कहा था कि भगवान आएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान यहाँ यहाँ तक आ जाएं, हो सकता है भगवान आके बाहर से ही चले जाएं और तू मूर्खों की तरह यही बैठी रह जाए। फिर दौड़ती है, दौड़ गई, लेकिन फिर सोचते ना 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 शबरी गलत कर रही है, वापिस जा, ऐसा ना हो कि तू यहाँ दौड़ रही है भगवान तेरे पीछे से कुटिया में आके चले जाएं। जिस माँ का बालक गुम हो जाता है ना वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमती मैंने अपनी आंखों से देखी है।
तड़प होनी चाहिए, तड़प तड़प होनी चाहिए। और उधर क्या चल रहा है मालूम है? एक से एक चिकने चुपड़े संत हाथ जोड़ कर खड़े हैं, हे भगवान हमारे आश्रम में आ जाइए, हमारा आश्रम 5-star आश्रम है, हैं बढ़िया कमरे हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, बढ़िया गद्दे मिलेंगे, नहाने को ठंडा गर्म पानी मिलेगा, हर कमरे में फ्रिज है, आइए भगवान हमारे आश्रम में आ जाइए। ये नहीं देखती हो आश्रम? लेकिन भगवान की जुबान पर एक ही नाम है। अच्छा अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो महाराज जी यहाँ शबरी रहती है, देखो भगवान की जुबान पर किसका नाम है? अरे भगवान ये नहीं देखते हैं कि बाहर आपके पास क्या है। हमने अपने छोटे से जीवन में बड़े बड़े अरबपतियों को धराशायी होते देखा है, हमने देखा है। अरे हम खुद हुए हैं जी, दूसरों की कौन कहे। भगवान के यहाँ आपके पास कितना माल असबाब है उसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान के यहाँ कीमत इस बात की है कि आपके अंतःकरण में भगवान के लिए क्या है। बोलो बोलो क्या है आपके अंतःकरण में भगवान के लिए? केवल वासनाएं? भाव है तो गजब है जी। हम भगवान का सुख नहीं चाहते हैं, हम भगवान को कष्ट देकर अपना सुख चाहते हैं। नोट करो इस बात को, नोट करो इस बात को। जब भगवान शबरी का नाम लेते हैं तो वो संत इशारा दे देते हैं कि महाराज भगवान इस तरफ, इस तरफ। और शबरी बैठी है, आंखों को बंद करके विचार कर रही है कि इतने में भगवान बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। शबरी आंख नहीं खोल रही, उसको क्या पता बावली को कि सामने भगवान आए हैं। भगवान को ही कहना पड़ा, मां जब कान में अक्षर पड़ा तो शबरी ने आंखों को खोला है? और चरणों से लिपट गई, भगवान ने उठाया, सहारा देकर अपने से लगा लिया। अब भूल गई वो योजना, हवा हो गई, वो आसन भी भूल गई, वो जो फल तोड़ के रखे थे वो फल भी भूल गई, आवली बावली हो गई। चक्कर ऐसे ऐसे करती है, भगवान को बार बार देखती है, एक कदम इधर जाती है फिर इधर जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो अपना अचला ही, वो जो फटा हुआ था उसी को बिछा दिया, भगवान उसी पर बैठ गए। भगवान को लगा जैसे मैं कौशल्या माँ की गोद में बैठ गया हूं। अब वही शबरी के पास ही छबिया पड़ी है, उसमें बेर पड़े हैं, बेर हैं? कौन से बेर थे वो? ये 50 रुपए किलो वाले? अरे जंगली बेर थे वो, छोटे छोटे मोटी मोटी गीटक वाले, लाल लाल। और शबरी उनको चक चक के खिलाती है, जूठा करके खिलाती है ना, हैं? जूठा करके खिलाती है। भगवान बेर खा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि न मालूम कौन कौन से वृक्ष का फल लाकर इन भगवान को खिला दिया, आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि लक्ष्मण बड़ा मीठा फल है, ये जंगली बेर इनको बड़े मीठे लग रहा है, मैं भी तो खाकर देखूं। तो लक्ष्मण जी ने भी एक मांगा, और कोई कहता है कि लक्ष्मण जी को उसमें कोई मिठास नहीं लगी। तो लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, बोले कुछ नहीं, भगवान तो समझ गए। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, माने बेर खाते खाते नहीं बोलते हैं, बेर खाते खाते बोल रहे हैं, क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुझको? लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, भगवान आप झूठ भी बोलते हो? भगवान ने, ए लक्ष्मण मैं झूठ बोलता हूँ? लक्ष्मण जी ने कहा, तो ये क्या बोल रहे हो इतनी देर से, मीठा है मीठा है मीठा है, ये बेर मीठा है? भगवान ने कहा, लक्ष्मण तू समझा नहीं बेटा, मैं बेर की बात नहीं कर रहा, मैं तो शबरी के प्रेम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शबरी तेरा प्रेम, अच्छा बताओ शबरी का प्रेम मीठा क्यों है, हैं? अच्छा बताओ किसका फल मीठा होता है? कौन बोला, हाथ खड़ा करो, बढ़िया बढ़िया, हैं? माँ बोली बेटी बोली, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र ही सबरी है। नोट करो, नोट करो, इधर देखो, इधर देखो देखो,
सबर का फल मीठा होता है, सबर, सबर से ही सबरी बना है। सबरी कौन? जिसने सबर कर लिया वो सबरी है। अगर आप अभी सबर कर लो, अभी सबर कर लो, जो अपने आप से मिलेगा उसको खाकर खुश रहूंगी, जैसा मिलेगा वैसा खाऊंगी, जैसा मिलेगा वैसा पहनूंगी, जैसा मिलेगा वैसा सुन लूंगी, शिकायत नहीं करूंगी, भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी। अभी आप सबर कर लो, संतोष कर लो, अभी आप सबरी हो जाओगी, अभी सबरी हो जाओगी। सबर ही सबरी है, सबर का फल तो मीठा होता ही है। दूसरी बात, सबरी हम ये शास्त्र का फल आपको चखा रहे हैं, हम शास्त्र का फल आपको चखा रहे हैं। बताओ आपको मीठा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है? क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको चखा है, हमने पहले इसको खुद चखा है जी, तब आपको चखाने के लिए आए हैं। अगर हम खुद ना चखे होते, आपको चखाने आ जाते, तो आपको ये बिल्कुल मीठा नहीं लगता। बोलो, ए तुमको नाचना गाना चाहिए, तुमको नचनिया पजनिया चाहिए, गीत संगीत चाहिए, कि भगवान की शुद्ध कथा चाहिए? बोल दो। तो क्यों इसमें मिठास लग रही है, क्यों तुमको नींद नहीं चल रही है? क्योंकि हम चख के खिला रहे हैं। भगवान को शबरी का फल क्यों मीठा लगा? क्योंकि शबरी चख के खिला रही है, पहले उसने इस प्रेम का पहले स्वयं अनुभव किया है, तब भगवान को चढ़ा रही है। और हरियाणवी में बेर का एक और अर्थ होता है, बोलो फटाफट। हाँ, बेर का मतलब के बात रहे, बड़ी बेर ला दी है? बेर का मतलब देर भी होता है, माने शबरी ने बहुत दिन इंतजार किया है ना, इसलिए भगवान को शबरी का फल मीठा लग रहा है। बस अंतिम प्रसंग नवदा भक्ति, दो मिनट में सुन लो फिर आरती। प्रथम भगति संतन कर संगा, किसी संत का संग करो। संत का संग करोगे तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो, संसार के आदमी का संग करोगे तो संसार की चर्चा में रुचि हो जाएगी, और संत का संग करोगे तो भगवान की कथा में रुचि हो जाएगी। यहाँ सुनने के लिए दो ही बातें हैं, या भगवान की कथा सुन लेना या संसार की व्यथा सुन लेना, यहाँ तीसरी बात ही नहीं है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, अपने गुरु जी के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान, हम चौथी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा का गान कर रहे हैं। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भगवान का एक नाम राम पकड़ लो, राम 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 राम, जब भी समय मिले, सुबह शाम, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, जपा करो, कौन सी तुम्हारी जीभ घिसती है? छठ दमशील विरत बहुकर्मा, इस बात को नोट करो ब्रिजी, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, बहुत सारे बेफालतू के कामों को छोड़ दो, प्रधान मत बनो, सेक्रेटरी मत बनो, भगवान का जगत भगवान के भरोसे छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा काम करते चलो, थोड़ा थोड़ा काम करते चलो, अपनी वृत्ति इधर लगाओ, इधर लगाओ वृत्ति, इधर लगाओ। महाराज दुनिया बड़ी दुखी है, इस दुनिया के लिए हम कुछ ना करें? हनुमान जी लंका गए थे, वहां भी दुनिया बहुत दुखी थी, हनुमान जी ने भंडारा चलाया, हनुमान जी ने नारी मुक्ति आंदोलन खोला? बोलो, वहां बहुत राक्षसनियां इकट्ठी हो गई, कह रही थी महाराज या हमारे यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खुलवा देते। सच बोल रहा हूं, बहुत हो गया। अरे जीवन बीता जा रहा है, अच्छा करो, लेकिन उसकी कोष्ठ पे मत करो, उसकी कोष्ठ पे मत करो, भगवान का नाम न छूटने पावे। ये समानार्थक नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है, ये माया का बाजार है, ये भगवान के बनाने से आज तक सही नहीं बना, आपके बनाने से बन जाएगा? भगवान ने राम राज्य की स्थापना की थी, कितने दिन चला? भगवान के जाते ही द्वापर आ गया, त्रेता से भी निचले दर्जे का। युधिष्ठिर महाराज ने अपने धर्म राज्य की स्थापना की, युधिष्ठिर जी के जाते ही कलयुग आ गया। ए लो, आया कि नहीं आया? कहां से आ गया? अरे आपने जिस व्यवस्था की स्थापना की थी, कम से कम 1000 साल तो चलनी चाहिए थी, 2 ही साल में टाइम टाइम फीस हो गया। अरे माया का जगत ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। एक बात बताओ, आप इसको सतयुग बना दोगे? अच्छा बना दोगे, मान लो बना दोगे, तो बताओ हिरण्याक्ष कब आया, हिरण्याकशिपु कब आया, भस्मासुर कब आया, त्रिपुरासुर कब आया? सब सतयुग में आए।
तुम कौन से युग की बात करते हो? ये माया का जगत है, ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। भगवान का नाम जपो, जो थोड़ा बहुत हो सकता है कर दो, ठेकेदारी मत लो, ठेकेदारी मत लो। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात अंशम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ए संत की कीमत करना सीखो, संत की कीमत करना सीखो। आठम जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में। अच्छा, जैसा पति मिल जाए कमियां मत निकालो, ठीक है। जैसा घर मिल जाए, जैसा पहनने को मिल जाए, जैसा खाने को मिल जाए, जैसा सुनने को मिल जाए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा, दूसरे के दोष मत देखो। और नवम सरल, सरल रहो, सरल रहो, नवम सरल, सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान के भरोसे प्रसन्न रहो, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए जीवन बिताओ। किच किच मत करो, रो रो मत करो, शिकायत मत करो। मुस्कुराते हुए चेहरों की इस दुनिया में कीमत हुआ करती है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। देखो, आज हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पण करते हैं। और आप सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी कड़वी खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।